पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, और आइए शुरुआत करते हैं उधम सिंह नगर की इस खबर के साथ, जहां से ये बड़ी जानकारी आ रही है। मदरसे में मौलवी का बच्चियों से यौन शोषण का आरोप लगा था। इस मामले पर अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी को तो गिरफ्तार कर लिया था, आज पुलिस आरोपी को क्राइम सीन दोबारा से इसको दोहराया जाएगा और आरोपी शब्बीर को क्राइम सीन पर ले जाकर पूछताछ की जाएगी। बता दें आपको, आरोपी मौलवी पर 6 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि की गई है, जिसके बाद 3 बच्चियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पीलीभीत का रहने वाला है मौलवी शब्बीर, आज इसको क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा। आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाएगी पुलिस और फिर आगे की पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले पर एक बड़ा अपडेट क्राइम सीन पर ले जाने का, जहां आज उत्तराखंड की पुलिस इस मामले पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए और इस एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने जा रही है। मदरसे में बच्चियों से यौन शोषण का आरोप इस मौलवी पर लगाए, जिसे आज ले जाया जाएगा क्राइम सीन के लिए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से ये जो खबर सामने आई थी, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था, मदरसे के अंदर मौलवी का बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का जो आरोप लगा था, उसने हर किसी को सन्न कर दिया था। अब इसके बाद देखिए, मौलवी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन आज पुलिस आरोपी शब्बीर को क्राइम सीन पर ले जाने वाली है, फिर आगे की पूछताछ होगी और कड़ियां खुलेंगी जो जानकारी पुलिस दे रही है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो आरोपी मौलवी है, इसको क्राइम सीन पर ले जाने के बाद हो सकता है कुछ और एंगल से इस मामले के खुलासे हो जाए। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आज क्राइम सीन पर ले जाने की जानकारी मिल रही है। इस पर और जानकारी शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी, क्या जानकारी इस पर, आज क्राइम सीन पर ले जाने की तैयारी है इस मौलवी को, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस ने इस मौलवी को अपनी कस्टडी में लिया है, क्योंकि लगभग 6 दिन पहले इसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इसको जुडिशियल कस्टडी में मिल जाया गया था, लेकिन अब पुलिस ने इसको पुलिस कस्टडी में ले लिया है न्यायालय की के बाद। और इसके बाद से अब उसको जहां पर क्राइम सीन हुआ था, जो मलसी गांव है, जहां पर ये मदरसा बताया जा रहा है, यानी मदरसा एक मस्जिद के भीतर था, तो वहां पर ले जाया जा रहा है। और किस तरीके से जो बंद कमरा था, जहां पर वो बच्चियों को ले जाया करता था, और बड़े बच्चों को बताया जा रहा है कि पहले छोड़ देता था, उर्दू पढ़ाने के नाम पर ये पूरा का पूरा मदरसा चल रहा था, जो दीनी शिक्षा देने के नाम पर था वो मदरसा इस पे चल रहा था, और ये बड़े बच्चों को पहले छोड़ देता था, लेकिन जो छोटी बच्चियां होती थी, जो 8 से 10 साल की उम्र की बच्चियां होती थी, उन्हें रोक लेता था, फिर उन्हें एक एक कर अपने कमरे में बुलाता था, और कमरे में बुलाने के बाद उन्हें फोन वीडियो दिखाता था, और उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं थी वो सब करता था। तो ऐसे में इस मौलवी को उस क्राइम सीन की जगह पर ले जाया जा रहा है, जहां पर ये घटना को अंजाम देता था, और जो माता पिता हैं बच्चों के, वो बेहद डरे सहमे हैं। अभी तक 5 माता पिता ऐसे हैं, 5 बच्चियां सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने अपने साथ हुई इस घटना की पुष्टि की है। बकायदा 5 बच्चियों के माता पिता ने इस मौलवी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र नेगी, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। नैनीताल से भी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, बेतालघाट इलाके में 2 साल की बच्ची से रेप का जो आरोप लगा है, उसमें 60 साल के बुजुर्ग पर बच्ची से रेप का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीन के झगड़े में हत्या हुई है। चाचा ने भतीजों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक भतीजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, इलाज के लिए भर्ती कराया गया है दूसरे भतीजे को अस्पताल में। आगे बढ़ रहे हैं विकास नगर से खबर, जहां पर देहरादून जा रही बोलेरो पिकअप चानचक के पास में अचानक से बेकाबू होकर ट्रक से टकराई है। टक्कर के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, टक्कर कितनी भयावह रही होगी, इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। बोलेरो पिकअप के पर खच्चे उड़ गए हैं, गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बमुश्किल उन्हें कटर के जरिए गाड़ी का दरवाजा काटकर बाहर निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने दोनों को बेहद गंभीर हालत में हायर सेंटर देहरादून रेफर किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर आज पोकलैंड मशीन ले जाता एक ट्रक पलटा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं खबर की, इसी की वजह से हाईवे बंद भी रहा है। तस्वीरें बाड़वाला से
आगे झूड़ो झरने के पास की है, जहां एक बड़ा ट्रक लोहारी डैम की तरफ पोकलैंड मशीन को ले जा रहा था, तभी पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक आधा सड़क पर फंसा हुआ है, जो खाई में गिरने से बच गया है। घटना के बाद हाईवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिसे खोलने का काम जारी है। चमोली में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे 3 जगहों पर बंद हो गया है। ये अपडेट आप ले लीजिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं तो खबर देख लें। छिनका पागल नाला नंदप्रयाग में हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे से मलबा हटाने का काम इस समय जारी है। चमोली से अगली खबर है, जहां पर थराली के वाण लोहाजंग क्षेत्र में भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखेंगे नुकसान की, किस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद हालात खतरनाक हो जाते हैं। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह सड़कें टूटने के बाद लोग मुश्किल से बाहर निकलने के लिए देखिए किस तरह से रोपवे बनाकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डाल के इस रास्ते को पार किया जा रहा है। बात करेंगे पहाड़ के लिए नासूर बन चुके लैंडस्लाइड की। देखिए चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। यहां सैलंग के पास में पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर आ गए हैं। सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर हेमकुंड और बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से आए बड़े बोल्डर्स को हटाने में वक्त लग सकता है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मॉनसून में बद्रीनाथ हाईवे बार बार लैंडस्लाइड यहाँ होने की वजह से बंद हो जा रहा है, तो अगर आप इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं तो खबर जरूर देख लें और जानकारी लेने के बाद ही इन रास्तों से गुजरें। उधर कोटद्वार में दुगड्डा में हो रही बारिश के बाद में पहाड़ियों से लगातार हाईवे पर मलबा आ रहा है, जिससे हाईवे बंद हो रहे हैं। इसी के चलते यात्रियों को 14 से 17 घंटे या फिर आप ये कहिए कम से कम 12 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद हाईवे बार बार बंद हो रहा है। जगह जगह पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यात्रियों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। दुगड्डा में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं जो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी बाजार में कार बुक करके आया हूँ फरीदाबाद से, और अभी हमें रिटर्न होना था, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। रोड जो है ब्लॉक हो रखी है, अभी कुछ पता कोई हकीकत बता ही नहीं पा रहा कि कितना टाइम में जो है ये रोड खुलेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गाड़ी में बैठे इतनी पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के पंगनो गांव को लगातार खतरा बना हुआ है। गांव के ऊपर हो रहा भूस्खलन लगातार नीचे की तरफ से खिसक रहा है। देर रात को ही बारिश के बाद तेजी से आए मलबा लोगों के घरों में घुसने के बाद लोग अपने घरों को छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले साल से यहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, 53 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। चमोली के बाद खबर विकास नगर से, जहां पर तेज बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। बरसाती रामगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बरसात के बाद कैसे हालात बने हैं आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। रामगढ़ इलाके की ये तस्वीरें, जहां शिमला बाईपास के रपटे पर सैलाब आ गया है। सैलाब के ऊपर से ही यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, कई गाड़ियां पानी के उफान में फंसती हुई भी नजर आएंगी। अब इसी वजह से लंबा जाम भी लग रहा है दोनों तरफ। तेज बारिश के बाद अक्सर रपटा इसी तरह से पानी से भर जाता है और लंबा जाम इसी वजह से लगता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि इलाके में उफंती नदी में एक शख्स फंस गया, जिसकी सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने फंसे शख्स को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला।
बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नेपाल का रहने वाला रामप्रसाद बीच टापू पर फंस गया था, इसका रेस्क्यू किया गया। विकासनगर में मटक माजरी वन विभाग की चौकी पर एक विशालकाय किंग कोबरा को देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये देखिए किंग कोबरा किस तरह से अपना फन उठाए इस समय नजर आया है कैमरे में। तकरीबन 13 फीट के इस विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम को वहां बुलाया गया, जिसके पसीने छूट गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि सांप अपना फन नीचे करने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद किंग कोबरा वन विभाग की गिरफ्त में आ सका है। सांप को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहने वाला है। इस पर जानकारी ले लीजिए कि सीएम धामी शहीद नर सिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। आज धामदेवल शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठबंधन हो गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर। दोनों सीएम के निशाने पर हैं राहुल गांधी। देखिए चुनाव है तो जम्मू कश्मीर में असहज, उत्तराखंड में कांग्रेस है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के स्टैंड को आड़े हाथ लिया। दरअसल योगी और धामी बीजेपी की राजनीति में बड़े हिंदुवादी चेहरे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थन के साथ राज्य में आरक्षण का विरोध कर रही है। सीएम ने राहुल से 10 सवाल पूछे, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद जैसे मुद्दे शामिल रहे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूंकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं, इसका इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? राहुल गांधी से आतंकवाद जैसे विषय पर सवाल पूछने पर कांग्रेस असहज है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी राहुल गांधी को एक्टिव करना चाहती है। हालिया लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं आए, लेकिन 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में राहुल ने रैलियां की। बद्रीनाथ यूपी चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को एक बार केदारनाथ लाया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से जो हालात बने हैं उसको लेकर राजनीतिक फिजा बदल रही है। मैं जिस दिन ये नुकसान की बात आएगी हम लोगों से पूछेंगे ना कि भाई अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक को चुनना हो तो हम उसको चुनेंगे ना जो आजादी के समय भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े थे, जिनका रिकॉर्ड आतंकवाद के साथ जुड़ने का बिल्कुल नहीं है। जब मोदी जी पीडीपी के साथ जुड़े तो पीडीपी तो बदनाम थी इस मामले में, फिर भी सत्ता के लिए बीजेपी और मोदी जी पीडीपी के साथ जुड़े, हम लोगों को इस बात को समझाएंगे। तो इसलिए लोग, मैंने कहा ना कि लोग अब जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। उत्तराखंड में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहे हैं। यहाँ उत्तरी भारत के बाकी राज्य में स्थिति अलग है, जहाँ जातियाँ और उपजातियाँ का भी बंटवारा है और चुनावी रिजल्ट में भी दिखता है। उत्तराखंड हिंदू बाहुल्य राज्य है, ऐसे में बड़े हिंदू चेहरे का संकट पार्टी के पास रहा है और राहुल गांधी को फ्रंट पर लाने पर अब फायदा होगा या नुकसान, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद में कांग्रेस ने केदारनाथ सीट पर भी जीत का दम भरा है। नैनीताल पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ में चुनाव जीतने के साथ ही 2027 का रास्ता बाबा केदार बना रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत को टिकट देने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ की मर्यादा के हिसाब से ही वहां के उम्मीदवार का चुनाव होना चाहिए। केदारनाथ हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। केदार बाबा इस बार हमको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस की 2027 में जीत का रास्ता प्रशस्त करने। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि केदारनाथ है, उसकी मर्यादा के अनुरूप ही उम्मीदवार होना चाहिए। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में है। वहीं आरएसएस ने भी बीजेपी को आने वाले चुनाव जिताने के लिए सीधा सीधा जिम्मा उठा लिया है, अपने काम करने के तरीके तक को बदल दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। अगले 2.5 साल देवभूमि उत्तराखंड का मौसम चुनावी रहने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव से लेकर 2027 विधानसभा चुनाव तक ये सफर जारी रहेगा, लेकिन इन चुनावों में हर मोर्चे पर कमल खिलता रहे इसका सीधा जिम्मा अब संघ ने संभाल लिया है। संघ ने सरकार बीजेपी संगठन के साथ अपने समन्वय की नई इक्वेशन तैयार करना शुरू कर दिया है और सरकार के हर विभाग के काम पर संघ की तीखी निगाह है। सरकार जो है वो भी जनता के लिए काम कर रही है, उसका काम भी जनता की सेवा, समाज की सेवा करना है और संघ भी समाज की सेवा करता है। अगर दोनों मिलके कहीं पर कोई ऐसा मुद्दा आ रहा है, दोनों मिलके समाज की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर है सामाजिक काम करने वाले संघ की चिंता राजनीतिक है, इसलिए संघ की सक्रियता के सरकार में साफ दिख रही है और सरकार के अधिकारियों से लेकर मंत्री तक अब से पहले ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी 15-16 घंटे दौरे पे रहते हैं। मैं भी, आपने देखा होगा कि मैं 70 की 70 विधानसभा में जाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हर हफ्ते हर 15 दिन मैं दौरे में रहता हूँ और सभी मंत्री अपने अपने विभागीय कामों में लगे हैं। साफ है संघ की चिंता यूं ही नहीं है, आने वाले भविष्य में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, उन्हें दूसरी और तीसरी बार जीतना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में संघ इस चुनौती से निपटने की प्लानिंग कर चुका है। दरअसल सरकार को अगले कुछ समय में कई चुनावों का सामना करना है, पहले केदारनाथ उपचुनाव, उसके बाद निकाय और फिर पंचायत चुनाव। साल 2027 आते आते विधानसभा चुनाव भी दहलीज पर खड़े होंगे। ऐसे में संघ को समन्वय के साथ सबका साथ सबका विकास ही जीत का मूल मंत्र नजर आ रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18, हल्द्वानी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण सत्र को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, नैनीताल में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने कई गलतियां सत्र में की है। हरीश रावत ने कहा है कि स्पीकर के द्वारा पारित नगर निकाय विधेयक को प्रवर समिति को भेजा कैसे गया। हरीश रावत ने यह भी कहा कि राज्य में आपदा, महिला सुरक्षा समेत तमाम पहाड़ के मुद्दे थे, लेकिन विधानसभा में इन पर आधा दिन भी चर्चा नहीं हुई। स्पीकर द्वारा पारित घोषित विधेयक को प्रवर समिति को कैसे भेज सकते, कोई चीज समझ में तो आए कि उसके लिए पूरी प्रक्रिया है कि नया विधेयक आएगा, पुराने विधेयक को आप निस्तेज घोषित करेंगे, वॉइड घोषित करेंगे, तब नया विधेयक लाएंगे और उस विधेयक को फिर आप प्रवर समिति को भेज सकते हैं। एक पूरी विधायी प्रक्रिया। चमोली के गोपेश्वर जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल जोशीमठ के पोखनी गांव की एक महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने महिला को उसकी बच्चेदानी में परेशानी बताई, जिसका ऑपरेशन जरूरी है ये भी कहा। अब इसके बाद 24 अगस्त को डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने आधा ऑपरेशन करने के बाद महिला को आगे रेफर कर दिया,
जिसके बाद परिजनों ने राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और इसके बाद महेंद्र भट्ट ने महिला को हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए भिजवाया। वहीं इस मामले में सीएमएस का कहना है कि महिला की हालत गंभीर थी, इसीलिए उसे देहरादून रेफर किया गया था। इन्हें हो गया था हॉस्पिटल, डॉक्टर का इनका बच्चेदान का ऑप्शन होगा और मैं कर लूंगा ऑप्शन, क्योंकि वो छुट्टी चले गए बीच में, फिर उनका मैं कर लूंगा। आजकल उनका हो जाएगा, फिर आज देखा नतीजा ये निकला। उनको ये बताएगा मेरे बसवा ने डॉक्टर छीड़फाड़ कर, उसके बाद मेरे बसवा ने इनके लिए डॉक्टर चाहिए कहकर। फिर पेशेंट था, इसमें रसौली थी पेट में, यूट्रस के पास, बच्चेदानी के पास, जिसमें जब खोला गया तब दिखाई गया कि उसमें बहुत ज़्यादा वास्कुलर है, मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है उसके अंदर, तो अगर उसको यहाँ पर छेड़ते तो ब्लीडिंग हो जाती, जिससे कि मतलब केस खराब हो सकता था, तो इसी वजह से उसको वहाँ पे मतलब एम्स के लिए रेफर किया गया। हल्द्वानी में रोडवे स्टेशन के लेकर मंगल पड़ाव तक लोगों को रोजाना जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। देखिए, इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करना चाहती है। सड़कों के दोनों तरफ बने हुए 101 दुकानदारों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी कर दिया है और 4 सितंबर तक खुद ही दुकानें खाली करने को कहा है। आगे बढ़ते हैं विकास नगर से खबर, जहां के भीमवाला में डाक पत्थर डिग्री कॉलेज के छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद मारपीट में बदल गया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बताया जाता है कि एबीवीपी के कुछ छात्र नेता भीमवाला क्षेत्र में छात्रों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर दूसरे संगठन के भी कुछ छात्र पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट में एबीवीपी की एक छात्रा और छात्र को चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।